नमस्कार दोस्तों, आइए। बच्चों ने कहा था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए, तो आज हमने टॉपिक लिया है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको FET शॉर्ट में बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। कि कैसी डिवाइस है? FET वह डिवाइस है जिसमें धारा का प्रवाह युक्ति पर लगाए गए बायसिंग वोल्टेज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में खास बात क्या है कि इसमें जो धारा कंट्रोल की जाती है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा कंट्रोल की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अब आप आगे बात करते हैं कि इस डिवाइस में जैसे BJT में होता है एमीटर सोर्स, एमीटर बेस और कलेक्टर, इसी प्रकार से यहाँ पर भी तीन टर्मिनल होते हैं। FET में भी तीन टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से तीन टर्मिनल होते हैं? ड्रेन, गेट और सोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने शो कर रखा है चित्र में, देखिए ये है गेट, ड्रेन और सोर्स। तो जैसे BJT में होता है ऐसे यहाँ पर भी तीन टर्मिनल हमारे पास होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ड्रेन से बाहर निकलते हैं और गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बात कह रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज लगाया जाता है गेट और सोर्स के बीच में, इसी प्रकार से ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो जो ये बायसिंग वोल्टेज है गेट टू सोर्स के बीच का, इसको वेरी करके हम यहाँ पर जो धारा के प्रवाह है उसको हम कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके कुछ और गुण की बात कर लेते हैं FET के। FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि अभी आप देख भी रहे थे कि वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ पर गेट टू सोर्स वोल्टेज के द्वारा आउटपुट करंट को कंट्रोल किया जा रहा था, इसलिए उसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यह एक यूनिपोलर डिवाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिपोलर डिवाइस। BJT हमारी बाईपोलर डिवाइस थी क्योंकि उसमें धारा बनाने में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही रोल प्ले कर रहे थे, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर दोनों ही रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए उसको बाईपोलर डिवाइस बोलते थे। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर्स ही धारा बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। तो FET कैसी डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस, और इसमें केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर्स ही धारा बनाते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स या तो वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या होल्स हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन होगा कोई एक ही, इलेक्ट्रॉन या होल्स। ये डिवाइस जो है वो पी चैनल या एन चैनल टाइप की होती है। जिस टाइप का हम सबस्ट्रेट लेते हैं उसी टाइप की डिवाइस होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट बताया जाएगा आगे क्या होता है। जब हम किसी डिवाइस को बनाते हैं तो सबसे पहले जो हम स्लैब लेते हैं या पत्थर लेते हैं उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। उसके ऊपर वो एन चैनल, एन टाइप का भी सबस्ट्रेट हो सकता है, पी टाइप का सबस्ट्रेट हो सकता है। तो उसके ऊपर फिर पी टाइप या एन टाइप की माउंटिंग, मतलब अपोजिट वाले सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की माउंटिंग की जाती है। अगर एन टाइप आपने सबस्ट्रेट लिया तो पी टाइप की माउंटिंग करेंगे, और अगर पी टाइप सबस्ट्रेट लिया तो एन टाइप की माउंटिंग करके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस बनाई जाती हैं, तो वो आगे चैप्टर में हम देखेंगे। दूसरी, नेक्स्ट इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इनपुट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। JFET का इनपुट प्रतिरोध 10^8 ओम से लेकर के 10^12 ओम तक होता है, जबकि इसी, ये तो JFET की बात होगी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, मतलब FET का ही टाइप है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दूसरा और FET का टाइप है एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, MOSFET जिसको बोलते हैं। तो इसका प्रतिरोध और भी अधिक होता है। JFET का जो 10^10^12 तक होता है, लेकिन MOSFET का 10^10 से 10^15 ओम तक का प्रतिरोध इसमें होता है, इनपुट प्रतिरोध इसका। ठीक है, उसका पीछे कारण क्या है कि इनपुट में धारा बहुत कम बहती है, ना के बराबर या जीरो धारा बहती है, इसीलिए इसमें इनपुट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन FET का कम होता है, और FET की सेंसिटिविटी भी, जो हम सिग्नल इनपुट पे देते हैं उसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है BJT की, जबकि इनपुट सिग्नल के सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें स्थिरता। अब ये क्या चीज़ होती है कि टेम्परेचर के साथ करंट का क्या वेरिएशन है, आउटपुट करंट का, आउटपुट करंट कितना वेरी बदलती है तापमान के प्रभाव से। अगर वो बदलती है तो हम बोलते हैं कि थर्मली
स्टेबिलिटी जो है कम है। तो बीजेटी में हमने देखा कि बीजेटी में जो आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट होती है वो ताप पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए हम स्पेशल टाइप की बायसिंग उसमें करते हैं ताकि वो थर्मल स्टेबल हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें ताप का प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो हमारी डिवाइस है FET, वो थर्मली स्टेबल होती है, इसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है, FET में शोर बहुत कम होता है, मतलब नॉइज़ जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का टकराने का की वजह से जो उत्पन्न होता है कम होता है। कारण उसका यही है क्योंकि मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, तो यूनिपोलर डिवाइस है, एक ही टाइप का कैरियर फ्लो कर रहा है, तो टक्कर जो का जो चांसेस है वो भी कम होता है। जबकि BJT में इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं, होल्स इधर को जा रहे हैं, तो वो नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट सिग्नल की सेंसिटिविटी। तो इनपुट सिग्नल की सेंसिटिविटी कम होती है, हमने बताया आपको। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, पहले देख लेते हैं फिर आगे मैं आपको टाइप्स बताऊंगा। FET का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये GFET की स्ट्रक्चर दी, चलिए हम थोड़ा टाइप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप्स बताए FET को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, दो भागों में इसको बांट सकते हैं, एक मॉसफेट हो गया और एक GFET हो गया। JFET मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, और मॉसफेट का मतलब क्या हो गया, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर, FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो FET का हमने दो पार्ट में बांटा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, अब GFET फिर पुनः एन चैनल टाइप का या पी चैनल टाइप का हो सकता है। इसी प्रकार से मॉसफेट के दो टाइप हो सकते हैं, मॉसफेट को भी दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में, एक डिप्लीशन लेयर मॉसफेट और एक एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, डी फॉर डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ई फॉर एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। और अगेन इसका फिर से क्लासिफिकेशन, डी मॉसफेट भी दो टाइप का हो सकता है, या तो पी चैनल या एन चैनल, और इसी प्रकार से एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट भी दो टाइप का हो सकता है, या तो पी चैनल या एन चैनल मॉसफेट। तो आपने देखा कि ये हमारे टाइप्स थे। तो अब आगे देखते हैं कि ये GFET का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। GFET देखिए, GFET की संरचना में क्या खास बात है, एक ये जो है स्लैब लीव, आपसे बात हुई थी स्लैब के बारे में, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम। थैंक यू।